चौबीसवां सवाल। आम के एक बाग में बाग से तीन मित्रों ने मिलकर कुछ आम तोड़े और उन्हें इकट्ठा करके सो गए। कुछ समय बाद उनमें से एक मित्र उठा और उसने इकट्ठे किए गए आमों को तीन बराबर भागों में बांटा तो एक आम बच गया जिसे उसने बंदर को खिला दिया और एक भाग अपने पास रखकर फिर सो गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मित्र उठा, उसने भी शेष आमों को अनजाने में ही तीन बराबर भागों में बांटा तो एक आम बचा जिसे उसने बंदर को खिला दिया और एक भाग अपने पास रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद तीसरा मित्र उठा, उसने भी यही किया। सोचो, तीन बराबर भागों में बांटा तो एक आम बच गया फिर, तो जिसको उसने बंदर को खिला दिया और अपना भाग अपने पास रखकर सो गया। कुछ देर में तीनों मित्र एक साथ उठे तो 30 आम मिले। 30 आम मिले मतलब 10 10 आम फिर ले लिए होंगे। तो सवाल है कि प्रारंभ में कुल कितने आम तोड़े गए थे। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसको अगर आप यक्ष से मानकर लगाएं तो लगाना मुश्किल होगा, बल्कि नीचे से लगा लें तो बेहतर होगा। कैसे? सबसे आखिरी में क्या हुआ था, 10 10 आम मिला, यानी 30 आम थे तो 10 10 आम सबके नाम मिल गया था। अब इसका मतलब यह हुआ, इसके पहले क्या रहा होगा, यह 30 आम उसने किसके लिए छोड़े होंगे? दो लोगों के लिए छोड़े हुए, क्योंकि अपना हिस्सा तो खाकर सो गया था वो। इसका मतलब जो जो तीसरा मित्र उठा था तो इस 30 आम को उसने दो भाग समझकर छोड़ा था, क्योंकि अपना भाग तो वो लेकर सोया था। तो इस 30 को अगर हम दो भागों में बांटे तो 15 15 हम कर सकते हैं, तो 15 15 30 होता। लेकिन उसने अपना भाग भी तो खाया होगा, यानी अपने पास रख लिया होगा, यानी उस समय जब तीसरा दोस्त उठा था उस समय 45 आम रहे होंगे, और बल्कि 46 रहे होंगे क्योंकि उसने एक आम बंदर को खिलाया था। यानी जब तीसरा मित्र उठा तो उसके पास 46 आम रहे होंगे, लेकिन ये 46 आम तब रहे होंगे जब दूसरे मित्र ने इसे छोड़ा होगा, दूसरे मित्र ने इसे दो भाग बनाकर छोड़ा होगा, क्योंकि अपना भाग तो दूसरा मित्र खा चुका होगा या अपने पास रखकर सो चुका होगा। तो 46 आम छोड़कर सोया होगा, इसका मतलब होता है कि उसने 23 23 आम के हिसाब से दोनों लोगों के लिए छोड़ा होगा, और अपना हिस्सा जो 23 आम रहा होगा वो अपने पास रखकर सो गया होगा। एक दूसरे मित्र की बात है। तो 23 तिया 69 होता है, लेकिन एक आम उसने बंदर को भी दिया था, तो 23 तिया 69 71। यानी जब दूसरा मित्र जब जागा होगा तो दूसरे मित्र को कुल 70 आम नजर आए होंगे। तो 70 आम में से एक आम उसने बंदर को दिया होगा और 69 बचे होंगे, 23 23 23 में बांटा होगा, अपना हिस्सा दूसरे बंदे ने खाया होगा या अपने पास रखा होगा। लेकिन अब समझने वाली बात है कि ये जो दूसरा बंदा उठा उसको 70 आम दिखे, तो इसका मतलब पहले वाले ने 70 छोड़े होंगे, तभी तो दूसरे वाले को 70 दिखेंगे। तो 70 जो छोड़े होंगे वो दो व्यक्तियों के लिए छोड़े होंगे, क्योंकि अपना हिस्सा तो वो खा ही चुका था। तो 70 को अगर हम दो भागों में बांटे तो 35 35 बढ़ता है, देखो 35 35 35, और उसने एक आम बंदर को भी दिया था और अपना हिस्सा खाकर सो गया था। इसका मतलब कुल आमों की संख्या कितनी हो गई, 35 35 70 35 105 और प्लस 106, यानी कुल 106 आम रहे होंगे, ये हमारा आंसर हो सकता है। अब चलो जांच करके दिखाते हैं, नीचे से ऊपर गए हैं। देखो, उसने 106 आम तोड़ा होगा, 106 आम में जब वो उठा होगा तो उसके पास 106 आम रहे होंगे। 106 आम को जब तीन बराबर टुकड़े बनाए होगा तो 35 35 35 टुकड़े बने होंगे, 35 या 105। एक आम बचा होगा जिसको बंदर को खिला दिया होगा, अपना हिस्सा खाया और सो गया। अब बचे होंगे 35 35 70 आम। 70 आम जब दूसरा बंदा उठा होगा तो 70 आम पाया होगा। 70 आम को जब उसने तीन टुकड़े बनाए होंगे तो 23 तिया 69 बना होगा और एक बच गया होगा जिसको उसने बंदर को खिला दिया होगा। इस 23 तिया 69 आम में से अपना हिस्सा ले लिया होगा और 23 दूना 46 आम छोड़ गया होगा। अब तीसरा दोस्त उठेगा तो 46 आम पाया होगा, तो 46 आम को जब तीन भागों में बांटेगा तो 15 तिया 45 और एक आम बचा होगा जिसको उसने बंदर को दिया होगा। अब इस 3 45 में से एक हिस्सा अपने को खाया होगा और 30 आम छोड़ दिया होगा, और यही जब तीनों दोस्त उठे होंगे तो 30 आम 10 10 10 आम के रूप में मिले होंगे। क्या मज़ेदार तरीका है। अब आप सोच सकते हैं कि छोटे से बच्चे के लिए इस तरह के सवाल पूछना कितना मज़ेदार है, कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं? आप लगाइएगा, मज़ा लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 25वां सवाल की तरफ। 25वां सवाल कह रहा है कि एक संख्या है जो विशिष्ट है, बहुत विशिष्ट है, वह संख्या अपने अंकों के योगफल की 3 गुनी है, क्या आप ऐसी संख्या ज्ञात कर सकते हैं? अंदाजा लगाओ, कोई संख्या है जो अपने अंकों के योग की 3 गुनी है, मतलब संख्या कैसी होती है, 10x + y होती है, और यह क्या है, अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। बस इसी संख्या के बारे में आपको बताना, तो बता सकते।
अब ये तो हुई संख्या का रूप प्रारूप, लेकिन अब चूंकि आप जानते हो कि अब दो पद है और एक ही समीकरण है, तो एक स्थिति तक हम इसे पहुंचाते हैं और फिर सोच ले जाते हैं। आइए देखते हैं, अगर इसको हम लोग हल करें 10x + y = 3x + 3y, अब अगर हम इसको पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा 7x, और 3y अगर हम इधर ले आए तो क्या बन जाएगा 2y - 2y और बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि 7x = 2y, इसका मतलब x/y = क्या हो जाएगा 2/7, यानी x की जगह पे 2y की जगह पे 7 लिखा जा सकता है। इसका मतलब वह संख्या क्या हो सकती है 27। अगर वह संख्या 27 हो सकती है तो चलो जांच करते हैं, क्या 27 अपने अंकों के योग की 3 गुनी है? हाँ है, देखो 7 × 2 = 9, 9 × 3 = 27 मिल गई। यह वही विशिष्ट संख्या है जो अपने अंकों के योग की 3 गुनी है। क्या मजेदार सवाल है ना। आइए अगले सवाल पर बात करें, हम लोग 26वां सवाल पर बात करेंगे। बारिश हो रही है मजेदार। 26वां सवाल है कि 10 पौधों को सीधी रेखाओं में ऐसे लगाना है कि प्रत्येक रेखा में ठीक ठीक 4 पौधे आ जाएं। बताओ 4-4 पौधे एक पंक्ति में होने चाहिए और कुल 10 ही पौधे हैं, क्या बना सकते हो आप? कुछ भी बना दो आप, यू बना सकते हो। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो 4 4 8 2 10, तो आप चाहे ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, उल्टा यू बना दो, चाहे सीधा तीन यू बना दो, बस यू जैसा बना दो, तो आपकी 3 पंक्तियां बन जा रही हैं और 4 सार की बन रही हैं, है ना। आप कुल 10 पौधे दिख भी रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, 4 4 8 2 10, बहुत मज़ेदार है ना। थोड़ा सा सोचेंगे तो खुद ही बन जाएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ खास बात नहीं मिली। आइए देखते हैं अगले सवाल पर। 27वां सवाल है, सेकंड लास्ट, जिसमें कुछ सीरीज दी गई है और पूछा गया है इसका अगला कदम क्या होगा। पहला सीरीज है 1 5 9 13 17 21, अगला टर्म क्या होगा? अच्छा अगर आप देखें 1 + 4 5 5 + 4 9 9 + 4 13 13 + 4 17 17 + 4 21 21 + 4 25, यानी अगला अंक क्या होना चाहिए 25, क्योंकि ये +4 + 4 होता जा रहा है। आओ बी देखते हैं, 2 7 12 17 22, चलो क्या हो रहा है, 2 + 5 7 7 5 12 12 + 17 17 + 5 22 22 + 27, यानी अगला टर्म इसका क्या होना 27, क्योंकि ये +5 + 5 होता जा रहा है। चलो सी देखते हैं, अच्छे सवाल हैं, बच्चों के लिए हैं, अच्छा 6 के लिए हैं तो बेहतर ही होंगे। चलो सी देखते हैं, लिखा है 2 6 12 20 30, अगला टर्म क्या होगा? चलो इसमें क्या हो रहा +4, इसमें क्या हो रहा +6, इसमें क्या हो रहा +8, इसमें क्या हो रहा +10, अब क्या होना चाहिए +12 होना चाहिए, 4 जोड़ा फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, तो 30 × 12 कितना हो जाएगा 42, यानी अगला पद क्या होना चाहिए 42 होना चाहिए। अगर आप रीजनिंग के थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो ये सवाल आपको बहुत हल्के लगेंगे। चलो डी देखते हैं, इसमें लिखा 1 2 3 5 8 13, अगला टर्म क्या होगा? देखो +1 + 1 + 2 + 3 + 5, देखो क्या हो रहा +1 हो रहा, 1 में 1 मिला 2, अब 2 में 1 मिलाए 3, 3 में 2 मिलाए 5, 5 में 3 मिलाए 8, 8 में 5 मिलाए 13, 13 में 8 मिलाओ क्या बनेगा 21, समझ पा रहे हो? 1 में 1 मिलाए 2, 2 में 1 मिलाए 3, 3 में 2 मिलाए 5, 5 में 3 मिलाए 8, 8 में 5 मिलाए 13, 13 में 8 मिलाए 21, अगला टर्म हमारा 21 होना चाहिए। अब ई आखिरी है इसमें, 1 और नीचे लिखता हूँ 1 3 6 10 15, अगला पद क्या होना चाहिए? और चेक करते हैं, क्या जोड़ा 2, क्या जोड़ा 3, क्या जोड़ा 4, क्या जोड़ा 5, अब क्या जोड़ना चाहिए 6, क्या हो जाएगा 21, क्या मज़ेदार टर्म है ना। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 28 सवालों में से 27 देख लिया। अब आइए देखते हैं आखिरी और मज़ेदार होगा, कक्षा 6 फिनिश हो जाएगा, हम लोग 7th में जाएंगे। 28वां सवाल दिया गया है,
नीचे दी गई कथन को क्रम में देखिए, 31×39 बराबर है 13×93। प्रत्येक पक्ष में दो संख्याएं सह अभाज्य हैं और संगत संख्याओं के क्रम को संख्यांकों के को बदलकर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही युग्म कुछ और युग्म को ढूंढने का प्रयास कीजिए, ये इनका कहना है। देखो क्या किया गया, 31 को पलट के 13 कह दिया और 39 को पलट कर 93 कह दिया और दोनों बराबर भी है, आप जांच करके देख सकते हो गुणा करके। क्या ऐसी कोई और संख्या सोच सकते हो? सोचना थोड़ा मुश्किल है ना, आओ देखते हैं क्या हो सकता है। अगर आप ऐसे करो, 13×62, 31 और 13 का ही टर्म बनेगा ये, अच्छा 13×62। अब इसको अगर पलटने की कोशिश करो तो 13 को हम 31 कर सकते हैं और ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये हम कर कैसे रहे, जानते हो ये टुकड़ा किया जाता है, देखो 31 के टुकड़े हो नहीं सकते, इसको हम कहते हैं 31×3×13 है ये, है कि नहीं, 31×3×13 और ये क्या है, 13×3×31 है, तो 31×3×13 यहाँ भी है, 31×3×13 यहाँ भी है, इसलिए दोनों बराबर है। और यहाँ चेक कर लेते हैं, ये 13 है और ये क्या है, 31×2 है, यानी 13, 31, 2 है, और यहाँ क्या है, 31×2×13 है, तो वही 31, 2, 13 यहाँ भी, 31, 2, 13 यहाँ है, इसीलिए बराबर है। तो ऐसी संख्याएं बहुत कम है और ये पूछने का पीछे यही रीजन है कि बच्चों को यह पता होना चाहिए कि संख्याओं के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो कुछ स्पेशल संख्याएं अगर हैं तो उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, कक्षा 6 पूरी तरह समाप्त हुआ और हमने पहली एक्सरसाइज से शुरू करके आखिरी एक्सरसाइज तक, यहाँ तक कि दिमागी कसरत, मैंने यूट्यूब पर खोजा, किसी बंदे ने दिमागी कसरत पर काम नहीं किया था तो मैंने कहा कि मैं तो जरूर करूँगा। तो इस तरह से कक्षा 6 मैंने ख़त्म कर लिया, अब हम कक्षा 7 आगे शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपके पास ऑनलाइन आएंगे। कुछ नई सूचनाएं आपको देनी है कि जून के फर्स्ट वीक में हम अपनी सारी क्लासेस कैसे चलाने जा रहे हैं ऑनलाइन। कुछ अध्यापकों से मेरी बात हो गई है, वो आ रहे हैं और हम धीरे धीरे और सारे विषय मैथ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप मस्त रहिए और पढ़ाई मत छोड़िए, लगातार बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।